हेलो एवरीवन, गुड नाइट विद शिप्रा में आपका स्वागत है और मैं हूँ शिप्रा झा। हर रोज की तरह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नई कहानी लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक शहर में रहने वाले एक पंडित जी की ख्याति दूर दूर तक थी। लोग उन पर बहुत ही भरोसा करते थे। उनके पास जो भी समस्याएं होती थी, सबसे पहले उनके मन में पंडित जी का ही ख्याल आता था और उन समस्याओं को लेकर वो पंडित जी के पास जाते और पंडित जी भी चट से उनकी सारी समस्याओं का निदान कर देते थे। ऐसे ऐसे उपाय बताते थे कि वो बिल्कुल ही कारगर साबित होते थे। उनके प्रवचन व बोल लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी थे, इसलिए अक्सर लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचते थे, उनका प्रवचन सुनते थे। एक बार पास के गांव में स्थित मंदिर के जो पुजारी थे, उनकी अचानक से मौत हो गई तो सभी लोगों ने सोचा कि नहीं नहीं, यहाँ का नया पुजारी जो है इसी पंडित जी को बना देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हैं। फिर उन्हें वहां का पुजारी नियुक्त कर दिया गया। फिर एक दिन पंडित जी को कहीं जाना था, तो जाने के लिए वो बस पर चढ़ गए। तो कंडक्टर के पास उस वक्त खुले नहीं थे, तो कंडक्टर ने सोचा कि खुले कराकर उसके बाद पंडित जी को पैसे दे देगा, और उसने ऐसा ही किया। फिर जो कंडक्टर है वो पंडित जी के पास पहुंचा, किराया काटकर जो भी पैसा उनका था उन्हें वापस कर दिया, लेकिन उन पैसों में से 10 रुपये उसने ज्यादा दे दिए। तो पंडित जी सबसे पहले अपने हाथ में पैसे उन्होंने देखे तो उनको लगा कि अरे 10 रुपये तो ज्यादा हैं। तो फिर उन्होंने मन में विचार किया कि बाद में कंडक्टर को मैं ये पैसे लौटा दूंगा। लेकिन फिर वो अपनी सीट पर जब बैठकर ये सब कुछ सोच रहे थे, तो उसी वक्त उनके मन में एक और विचार आया। उन्हें मन में लगा कि 10 रुपये के लिए मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। ये बस कंपनी वाले भी तो लोगों से काफी लूटते होंगे, लाखों कमाते होंगे, ज्यादा किराया लेते होंगे सबसे, तो फिर अगर मेरे पास 10 रुपये एक्स्ट्रा आ गए तो इसे वापस करने की क्या जरूरत है, इसे मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। उनके मन में ये आ तो रहा था, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में ये भी चल रहा था कि नहीं नहीं वापस लौटा देने चाहिए। अब इन दोनों के बीच में पंडित जी थोड़े कंफ्यूज हो गए थे और पंडित जी को लग रहा था कि पता नहीं अब क्या करना चाहिए। है ये सब कुछ सोचते सोचते उनका जो गंतव्य स्थान था, यानी कि वो जहाँ जाने वाले थे, वहाँ वो पहुँच चुके थे। अब पंडित जी को बस से उतरना था। पंडित जी के मन में फिर से वो सारे सवाल और जवाब घूमना शुरू कर चुके थे। अब पंडित जी को लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए, लेकिन किसी तरह पंडित जी धीरे धीरे करके बस से नीचे उतरे और उसी वक्त पंडित जी के पैर जो है वो ठिठक गए, यानी कि उनके पैर एक ही जगह पर रुक गए। उन्हें फिर से लगा कि क्या करना चाहिए। इतना कुछ सोचते सोचते अचानक से पंडित जी ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और 10 रुपये निकाल लिए और 10 रुपये वापस कंडक्टर को दे दिए। और पंडित जी ने कहा कि किराया का पैसा वापस लौटाते वक्त तुमने मुझे 10 रुपये ज्यादा दे दिए थे। तो कंडक्टर मुस्कुराते हुए बोला कि क्या आप ही गाँव के मंदिर के नए पुजारी हैं? तो उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ। तो कंडक्टर बोला, मेरे मन में कई दिनों से आपके प्रवचन सुनने की इच्छा थी, आपको बस में देखा तो मैंने पहचान लिया, तो फिर मुझे ख्याल आया कि चलो देखते हैं कि अगर मैं 10 रुपये इन्हें ज्यादा दूं तो ये क्या करेंगे। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपके प्रवचन जैसा ही आपका आचरण है, जिससे सभी को सीख लेनी चाहिए। ये बोलते हुए कंडक्टर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पंडित जी बस से उतरने के बाद पसीने पसीने हो गए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान का आभार व्यक्त किया, कहा, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मुझे बचा लिया। मैंने तो 10 रुपये के लालच में तेरी शिक्षाओं की बोली लगा दी थी, पर तूने सही समय पर मुझे संभलने का अवसर दे दिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारा जो आचरण है उसे सही तरीके से रखना चाहिए और हमेशा कुशल व्यवहार करना चाहिए और कभी भी लालच में नहीं फंसना चाहिए। कैसी लगी आज की कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ज्यादा अपडेट के लिए आपको क्या करना है, जुड़े रहना है लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, गुड नाइट विद शिप्रा की और भी स्टोरीज को देखने के लिए आप लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर आप सर्च कीजिए, आपको सारी कहानियां मिल जाएंगी। जाते जाते शिप्रा की ओर से गुड नाइट विशेज़।